गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी सब बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं आज का नया व्लॉग लेकर और अपने डॉग्स के साथ पे। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, गर्मी होने की वजह से डॉग थोड़ी गर्मी मान रहे हैं जबकि धूप नहीं है। मेरे साथ में है लियो और पीछे डेजी बैठी हुई है और बैकग्राउंड में चिंकी मिंकी और बेला घूम रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक हेल्थ इशू के बारे में और देखेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं। बरसात के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है मक्खियों से, फ्लाई से, और ये फ्लाईज बहुत सारी बीमारियां भी साथ में लेके आती हैं। ये इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे टिक फीवर के बारे में। मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर, अगर डॉग्स को टिक्स हो जाए और टिक फीवर होने का डर हो तो क्या करें? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि डॉग को टिक फीवर हो सकता है या हो गया है और आपको इनिशियल प्रिकॉशन क्या करने हैं, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो मेडिसिन जो सबसे अच्छा काम करती हैं उसमें सबसे पहली है डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो आप आसानी से लगा भी सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। लेकिन ये ह्यूमन मेडिसिन नहीं है, ह्यूमंस में ये यूज़ नहीं होती, तो ये डॉग्स में, एनिमल्स में यूज़ होती है, आसानी से मिल जाएगी आपको। तो आपको करना क्या है, आपको वाइल लेके आनी है और कम से कम 3 दिन आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देना है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देने से फ़ायदे क्या होंगे कि इनिशियली मेडिसिन का कंसंट्रेशन बॉडी में बन जाएगा और जो फीवर आ रहा है, जो टिक फीवर की जो शुरुआत है, वो वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद में आपको डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स स्टार्ट करना है और ये कोर्स आप कम से कम 3 हफ्ते दीजिए, 3 हफ्ते से कम मत दीजिए, कम से कम 3 हफ्ते देना है आपको। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, ये आप वीडियो देख सकते हैं, वो डेडिकेटली सिर्फ टिक फीवर के लिए बनाया हुआ है। आपको देखने के लिए आपको करना है ड्यूरेबल कैनल, टिक फीवर आप टाइप करेंगे तो वो मेरा वीडियो आ जाएगा। आज हम बात करेंगे मक्खियों के बारे में। देखिए, विंटर्स के अंदर और समर के अंदर ज़्यादा मक्खियाँ नहीं होती, टेम्परेचर एडवर्स होता है नॉर्थ में, लेकिन जब बरसात का टाइम आता है इस टाइम मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो हम क्या करें मक्खियों के लिए? देखिए, मक्खियों के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मक्खियों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको सफाई करनी पड़ेगी अपने कैनल की। जितना नीट एंड क्लीन क्लेनर कैनल रहेगा उतनी ही कम मक्खियाँ आएंगी। तो सबसे जो अच्छा जो कैनल वॉश है जो इंडिया में अवेलेबल है, फिलहाल अवेलेबल है, वो है जैप। जैप आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी कैनल वॉश आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उनके इंग्रेडिएंट्स को देख लें, यूज़ करें, और उसके बाद में कैनल वॉश के बाद में अच्छी तरह से पानी से क्लीन कर दें, क्योंकि कैनल वॉश के अंदर खुद अपने कुछ केमिकल्स होते हैं जो बाद में डॉग्स के फूड साइकिल में ना मिक्स हो जाएं या उनकी लाइफ स्टाइल में ना आ जाएं। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप केमिकल यूज़ करें उसके बाद में अच्छी तरह से वॉश कर दें। मेरा जो सबसे फेवरेट कैनल वॉश है वो है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर की मैं आपको कुछ खूबियाँ बता देता हूँ, उसका सबसे अच्छा क्यों है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। ब्लीचिंग पाउडर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जब पाउडर फॉर्म में होता है तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जब आप इसको किसी वेट सरफेस के साथ भी कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन करता है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चलता है। इस रिएक्शन में होता क्या है, जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये एक ऐसा केमिकल बनाता है जिस जो केमिकल हाईली हाईली टॉक्सिक कह लीजिए इंसेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन ये केमिकल बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है, जिसके अंदर क्लोरीन गैस रिलीज होती है और उसके बाद में ये एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है जो बहुत ही सेफ होता है। तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें थॉरो क्लीनिंग चाहिए हो, जैसे अगर किसी के कैरल के अंदर पार्वो वायरस हो गया है तो हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप इसे ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन कीजिए कम से कम महीने में 2-3 बार। इसके बाद में जो सबसे यूज़फुल चीज़ है जो फ्लाई कंट्रोल में काम आती है वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल बहुत तरह के स्प्रेज में, क्लीनर्स में यूज़ किया जाता है, अलग अलग कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास में नीम ऑयल है तो आप इसका यूज़ करके डॉग को फ्लाई से बचा सकते हैं, अपने कैनल को क्लीन कर सकते हैं, उसकी वॉल्स को क्लीन कर सकते हैं। आप इसको एक कैरियर ऑयल में मिला लीजिए, यानी
पूरा नीम ऑयल यूज़ नहीं करना है, उसमें आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं और उसको एक स्प्रे बना लें। डॉग की बॉडी के ऊपर स्प्रे करने से उसके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और मक्खियों की दिक्कत आधे से ज़्यादा इसी से ही हल हो जाएगी। एक क्रीम जो मुझे बहुत ही पसंद है और इसका ये बहुत ही यूज़फुल है, मल्टीपर्पज़ है, मैगट्स में, छोटे मोटे स्किन इन्फेक्शंस में काम आती है, हिमालय की स्कैवॉन क्रीम। सबसे अच्छी बात है ये आयुर्वेदिक क्रीम है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे लोकली प्रोक्योर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम मार्केट से इजीली अवेलेबल करके खुद भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्रीम की जो खास बात ये है कि आप इसको ना पूरी बॉडी के ऊपर इसके आप लगा सकते हैं हल्के से क्वांटिटी में। इससे क्या होगा कि डॉग के ऊपर फ्लाइज ही नहीं बैठेंगे और थोड़े मोटे इन्फेक्शन होंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिन आपको हमेशा रखनी चाहिए। अगर इजी टू यूज़ की बात करें तो सबसे अच्छा जो स्प्रे है और इकोनॉमिकल भी है वो है टॉपिक्योर। टॉपिक्योर की जो बॉटल्स होती हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं और इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर अपने डॉग को फ्लाइज से बचाना चाहते हैं तो आप उसकी बॉडी के ऊपर ना दो तीन स्प्रे मार दीजिए। नॉर्मली हम स्प्रे मारते हैं उसकी बैकबोन के ऊपर, इससे क्या होता है कि डॉग के ऊपर जो मक्खियों का जमावड़ा रहता है वो इस स्मेल से आता ही नहीं है। फ्लाइज कंट्रोल में जो एक ऑयल काम आता है जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं वो है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल भी अगर दूसरे ऑयल्स के साथ में मिक्स करके यूज़ किया जाए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप घर पे ही ये बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कैरियर ऑयल ले लीजिए, जैसे कोकोनट ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर आपको नीम ऑयल डालना है थोड़ा, उसके बाद में तारपीन का तेल डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। आप इसको बना के एक स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही किफ़ायती रहता है, आप खुद बना सकते हैं और छोटी मोटी चोट के अंदर ये तो लाजवाब काम करता है। इसीलिए कोशिश करके आप इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लीजिए और ये स्प्रे बना के देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो डॉग्स को बचाने के लिए क्या करें? देखिए, डॉग्स के लिए बहुत सारी क्रीम आती हैं, स्कैवॉन क्रीम आती है, हिमैक्स आती है, ये सारी क्रीम्स का हल्का सा लेप आप उनकी बॉडी पे और मुंह पे लगा दें ताकि मक्खियाँ ना बैठें, वरना क्या होता है मैगट्स पड़ जाते हैं। मक्खियाँ लगातार ऐसे पोर्शन में बैठना शुरू कर देती हैं जो हल्के गीले होते हैं, नम होते हैं, और वहाँ होने की वजह से, बैठने की वजह से कुछ मक्खियाँ जो अंडे दे सकती हैं वो उस पर आके अंडे दे देती हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ना बहुत बड़ा इशू है बरसात के टाइम पर, तो ये बहुत ही बड़ा इशू है। इसलिए होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पे 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिसमें से मैक्सिमम वीडियोस हेल्थ इश्यूज के बारे में, डॉग्स की अलग अलग तरह की परेशानियों के बारे में आप इनको देखेंगे तो आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा और आप आगे चल के अपने डॉग को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।